अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारा आज का जो टॉपिक है ये पाइथन में यूज़ होने वाले फंक्शंस हैं या जिनको मेथड भी कहा जाता है, डॉट फाइंड एंड डॉट स्ट्रिप। अगर आप ये देखें कि डॉट फाइंड का जो फंक्शन है ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि अगर हम किसी भी स्ट्रिंग के अंदर मौजूद मुख्तलिफ टर्म्स में से उनका इंडेक्स चेक करना चाहते हैं कि उन कहाँ से वो स्टार्ट हो रही हैं, उनकी इंडेक्सिंग क्या है, तो उसके लिए हम डॉट फाइंड मेथड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं एस और इसके अंदर हम स्टोर कराते हैं लुक ओवर दैट वे, यानी ये हमने एक वेरिएबल लिया एस और इसके अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर कराया जो कि लुक ओवर दैट वे है। इसके बाद हम इसको नॉर्मल प्रिंट कराते हैं, तो इसको जब एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखें इसका डिस्प्ले में मिल गया है लुक ओवर डैट वे। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि ये जो इस स्ट्रिंग के अंदर ओवर है, यानी ये जो वर्ड है ओवर इस स्ट्रिंग के अंदर, इसका इंडेक्स क्या है, यानी ये मेमोरी लोकेशन के अंदर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यानी स्ट्रिंग इंडेक्सिंग और स्ट्रिंग स्लाइसिंग के टॉपिक को हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, तो हम यहाँ पे उसको अप्लाई करेंगे कि अब देखें अगर मैं डार्ट फाइंड मेथड को यूज़ करना चाहता हूँ तो इसका प्रोसीजर क्या है, इसका सिंटैक्स क्या है। प्रिंट ऑफ वेरिएबल नेम डॉट फाइंड, अब फाइंड के अंदर हमने कोटेशन में वो टर्म लिखनी है जिस टर्म का इंडेक्स हम इस स्ट्रिंग के अंदर से फाइंड आउट करना चाहते हैं, ओवर। तो अब ये देखें कि अगर आप वैसे ड्राई रन करें जैसे आपको पहले मैं बताया था, पहले भी बताया था कि इसमें जो इंडेक्सिंग है वो अगर लेफ्ट से राइट की तरफ चलें तो ज़ीरो से स्टार्ट होती है, यानी एल जो है ज़ीरो लोकेशन के ऊपर है मेमोरी में, ओ जो है वन के ऊपर से, टू के ऊपर, थ्री के ऊपर, यानी जीरो। लेफ्ट से अगर राइट चलें तो इंडेक्सिंग ज़ीरो से आनवर्ड चलती है, और अगर राइट से लेफ्ट की तरफ चलें तो नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज़ होती है, यानी वाई माइनस वन के ऊपर है, ए माइनस टू के ऊपर है, डब्ल्यू माइनस थ्री के ऊपर है, स्पेस जो माइनस फोर के ऊपर है, इस तरह। तो अब ये देखें इसमें हमने ओवर का इंडेक्स फाइंड करना है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, अगर कैपिटल एल ओ के ऊपर है, सॉरी ज़ीरो के ऊपर है, तो हम कैलकुलेट करते हैं ज़ीरो वन टू थ्री फोर के ऊपर स्पेस है और ओवर का जो ओ है ये मेमोरी लोकेशन फाइव के ऊपर डिस्प्ले होना चाहिए। हम इसको रन करते हैं, हाँ तो ये देखें पहले स्ट्रिंग जो है वो नॉर्मल डिस्प्ले हो गया लुक ओवर डैट वे, उसके बाद ओवर का जो इंडेक्स है वो फाइव डिस्प्ले हो गया क्योंकि मेमोरी लोकेशन के अंदर इसकी जो पोजीशन है इंडेक्सिंग है वो फाइव से स्टार्ट हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट है डॉट स्ट्रिप मेथड। डॉट स्ट्रिप मेथड इसलिए यूज़ किया जाता है कि जिस तरह जहाँ पे इन्होंने जॉन वेरिएबल जॉन एक नेम लिखा है उसके देखें लेफ्ट साइड पे और राइट साइड के ऊपर वाइट स्पेसिस हैं, उनको रिमूव करने के लिए डॉट स्ट्रिप मेथड यूज़ किया जाता है। देखें इसको मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, एक वेरिएबल लिया नेम, उसके अंदर जॉन को स्टोर किया, नॉर्मली प्रिंट कराया तो जॉन प्रिंट हो गया। फिर मैंने इसके ऊपर जब इस सेल नंबर 38 के अंदर नेम डॉट स्ट्रिप मेथड को अप्लाई किया तो अब ये देखें इसकी इंडेक्सिंग और इसकी इंडेक्सिंग, यानी इसके लेफ्ट साइड के ऊपर जो स्पेस है वो रिमूव हो गई है और राइट साइड वाली भी रिमूव हो गई है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि सिर्फ लेफ्ट साइड वाली स्पेस रिमूव हो तो उसके लिए प्रिंट वेरिएबल नेम डॉट एल स्ट्रिप, एल मतलब के लेफ्ट साइड के ऊपर जो स्पेस है वो रिमूव हो जाएगी, अगर हमने राइट साइड के ऊपर वाली स्पेस रिमूव करनी है तो आर स्ट्रिप का फंक्शन यूज़ करेंगे, यानी राइट स्ट्रिप, और एल स्ट्रिप से मुराद लेफ्ट स्ट्रिप। तो अब देखें इनकी इंडेक्सिंग से अंदाज़ा हो रहा है कि अब यहाँ पे जो जॉन एग्जीक्यूट हो रहा है, मैं इसको दोबारा करता हूँ, तो ये देखें इसकी जो इंडेक्सिंग है उससे पता चल रहा है कि इसकी राइट साइड के ऊपर
स्पेस नहीं है, लेकिन लेफ्ट साइड के ऊपर पे स्पेस मौजूद है।